अगर आपको बैकएंड डेवलपर बनना है और जावास्क्रिप्ट में बनना है, नोड जेएस में बनना है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड है जावास्क्रिप्ट इकोसिस्टम की, तो हमारे पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि शुरुआत कैसे करें। क्विकली रिवाइज करेंगे कि गेट सीखे, पोस्ट सीखे, रेस्ट एपीआई समझें, एरर कोड समझें, कैसे कोड ऑर्गेनाइज करें, डेटाबेस से कैसे कनेक्ट करें और यूजर को कैसे लेकर आए सिनेरियो में। तो इस पे हमने विस्तार से बात की पिछले वीडियो में, पर क्या उतना ही बहुत है? नहीं, हमने पहले भी कहा था कि उतना काफी नहीं है। अब हम बात करेंगे कि अगर आप इतना सारा सीख चुके हो तो नोड जेएस में नेक्स्ट क्या करें। अब जब आप बेसिक एपीआई दिखने लगे हो, टेस्ट करने लगे हो, ऑर्गेनाइज करने लगे हो, तो कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में आपको जान लेना चाहिए। एक चीज जो आपको जाननी चाहिए वो ये कि ग्लोबल एरर हैंडलर कैसे बनाते हैं, ताकि अगर कोई एरर हैंडलिंग छूट जाए कहीं पे तो यूजर वो सब फटाफटा छीटा छीटा ना दिखाई दे, एक प्रॉपर मैसेज चले जाए और आप उसको लॉक कर सको। उसके बाद आपको देखना चाहिए कि आप वर्जनिंग कैसे कर सकते हो एपीआई का। क्या होता है कि एपीआई जो होती है आप एकदम से बंद करके चेंज नहीं कर सकते हो कि आज तो ये एपीआई आलू भुजिया रिटर्न कर रहा था, कल ये रोटी पूरी रिटर्न करने लगेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि एपीआई जो होती है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होती है फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में। तो जब आपको चेंज करना होता है तो आप एपीआई का वर्जन बदलते हो। तो अगर V1 ये दे रहा था तो V1.1 दूसरा कुछ देगा और V1.1 एक अलग एंड पॉइंट हो जाएगा /V1/V1.1 ऐसे करके एक अलग वर्जन हो जाएगा जिसको आप कॉल कर रहे हैं। तो ये भी आपको जानना पड़ता है, सिंपल चीज है। उसके बाद एक ग्लोबल 404 वो तो चाहिए ही, क्योंकि कोई किसी भी एपीआई को किसी भी पेज को कॉल कर सकता है। तो आपको बोलना है नहीं, अगर किसी को भी कॉल करोगे तो वो आता ना, अरे आप जो पेज ढूंढ रहे हैं ना वो मिल नहीं रहा है, दैट इज अ ग्लोबल 404 हैंडलर। उसके बाद कोर्स सेटअप करना, कोर्स क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम बोलते हैं कोर्स से ना ऐसा होता है वैसा होता है, बट नहीं, हर बार जब आप ये चीजें कर रहे हैं तब आपको ये समझना कि कोर्स होता क्या है, क्यों लगता है, ब्राउजर में सिक्योरिटी फीचर क्यों बिल्ट इन है, इसको हमें कैसे हैंडल करना चाहिए बैकएंड पे, ये सब चीजें बेस्ट प्रैक्टिसेस में आती हैं। एक और चीज है हेलमेट, जो मैं करवाता हूं बच्चों को। हेलमेट से बस इतनी सिंपल चीज होती है कि हेलमेट से क्या होता है, सुरक्षा होती है सर की, माथे की, है ना, माथा फूटता नहीं है गिरने पे। उसी तरह एक्सप्रेस में हेलमेट से बेसिक सिक्योरिटी जो है वो अपने आप टेकन केयर हो जाती है। इतना जब आपको आ जाए तो आप एक्सप्रेस के भी थोड़े एडवांस पीसेस जान रहे हैं। इसके बाद क्या करें? अब देखिए, अब आपने एपीआईज बना लिए हैं, डेटाबेस से कनेक्ट भी कर लिया है, यूजर को भी उसमें घुसा दिया है, ठीक है थोड़ा मोड़ा, तो क्या करना चाहिए? कई बार समस्या ये आती है कि अगर हमने बैकएंड का एक प्रोजेक्ट बनाया है तो उसको रिक्रूटर को दिखाए कैसे। बहुत वैलिड समस्या है। देखो, फ्रंट एंड का ऐप बनाओ, मोबाइल का ऐप बनाओ, iOS का ऐप बनाओ, तो आप कुछ दिखा सकते हो। बैकएंड में आपके पास दिखाने को बस कोड रहता है, पर कोड जो है वो उतना ज्यादा टैंजिबल नहीं होता ना, समझ में नहीं आता तुरंत से। तो क्या कर सकते हैं? इस पर मैंने बहुत सोचा और इस बार मैंने अपने बच्चों को बोला कि चलो तुम्हारी एपीआई को एज अ डॉक पब्लिश करते हैं। और वाह, क्या डॉक पब्लिश किया है बच्चों ने, कैसे पब्लिश कर सकते हैं, और सुन के भी कितना अच्छा लगता है कि मैंने अपना एपीआई पब्लिश किया। जैसे हमने बात की थी स्ट्राइप की डॉक्यूमेंटेशन देखने की पिछले वीडियो में, उस तरह आप भी अपने ऐप का पूरा डॉक्यूमेंटेशन पब्लिश कर सकते हो। और बहुत कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस बेसिक, ये एक एपीआई ऐसी दिखती है, इसको ऐसे कॉल करना है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये सब कुछ आप फ्री में बहुत कम मेहनत से कर सकते हो। प्रेजेंटेशन लेयर का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें लोगों को बहुत वैल्यू परसीव होती है, पर आपको बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है। इसको आप लिटरली एक हैक बोल सकते हो, एक हायरिंग हैक है ये, कि अगर आप ये करते हो तो लोग को लगेगा देखो बच्चे को कितना सारा बैकएंड आता है यार, उसने अपना एपीआई पब्लिश किया है। और एपीआई पब्लिश करने के लिए आपको चाहिए क्या? पोस्टमैन। Are you on Postman? Oh yeah, I keep hearing about that. It's an API tool. पोस्टमैन से आप स्टेप बाय स्टेप अपना एपीआई पब्लिश कर सकते हो। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कैसे आपको कलेक्शंस एंड फोल्डर्स बनाने हैं, इस तरह से आप कलेक्शंस एंड फोल्डर्स बना सकते हो। उसके बाद आप इसमें डिस्क्रिप्शंस ऐड कर सकते हो, उसके बाद कैसे रिक्वेस्ट आए, कैसे रिस्पांस आए, और फिर पूरा का पूरा अपना बैकएंड आप पब्लिश कर सकते हो। तो इस बार मैंने बच्चों को बोला कि हर कोई 3 बैकएंड बनाओ, एक मैंने क्लास में बनवाया, 2 होमवर्क दिए और बोला हर कोई 3 बैकएंड बनाओ और उसको होस्ट करो, उसको पब्लिश करो। और क्या क्वालिटी, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बना हर किसी का। और सबसे अच्छी जो मैं तब से शायद भूल जा रहा था कि आपका अपना कॉन्फिडेंस कितना बढ़ता है कि देखो मैंने एक एपीआई बनाया है, उसको पब्लिश किया है, उसको होस्ट किया है। ऐसे ही नहीं कि हाँ भैया बैकएंड आता है, डेटाबेस में लिखा है, तने भैया जो बोले थे वो किए। नहीं, यू हैव प्रूफ ऑफ वर्क, आपके पास आपके काम की एक लंबी लकीर है बाकी लोगों को दिखाने के लिए। तो हमें बेसिक्स आ गए, हमें बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ एक्सप्रेस आ गए, हमें पब्लिशिंग भी आ गया। अब क्या करें? अब आपको ऑथेंटिकेशन में घुसना चाहिए। ऑथेंटिकेशन पर एक पूरा बड़ा वीडियो बन सकता है कि ऑथेंटिकेशन कैसे काम करता है।
करता है बैक एंड में और फ्रंट एंड में, और मैं चाहता हूँ ऐसे एक्सप्लेनर वीडियोस बनाना, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं पढ़ा दूंगा। लेकिन मेजर टॉपिक पे आते हैं कि बैक एंड में ऑथेंटिकेशन जो है उसको JWT से कैसे इंप्लीमेंट करें, आप ये सीख लो। इसमें अभी आप पासपोर्ट JS भी मत लगाओ, क्योंकि पासपोर्ट JS लगाने से बहुत सारी चीजें आपको नहीं आती। तो आप देखो उसको शुरुआत करने के लिए आपको पहले कि मिडिलवेयर के एग्जांपल्स कैसे होते हैं, और एक बार जब मिडिलवेयर का एग्जांपल आपसे मिडिलवेयर बनने लगे तो फिर आप लॉगिन के कॉन्सेप्ट को समझिए कि लॉगिन राउट क्या होता है, टोकन क्या पास किया जाता है, कैसे काम करता है, साइन अप राउट क्या होता है, बीक्रिप्ट क्या होता है, बीक्रिप्ट कब यूज करते हैं। और जब ये सब आप समझ जाओ तो थोड़ा JWT को समझ लो कि JWT का एक टोकन साइन कैसे किया जाता है, रीड कैसे किया जाता है, उसको डिकोड कैसे करते हैं, वेरीफाई कैसे करते हैं, एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं, और इन सब चीज को लॉगिन राउट में लगाकर इंप्लीमेंट कैसे करते हैं JWT वेरिफिकेशन को। ये पीसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इन सबको धीरे धीरे समझोगे, अगेन पिछले बार भी हमने यही बात की थी कि हौले हौले रे मना है ना, नहीं हौले हौले हो जाएगा प्यार, तो हौले हौले ही आप सीखते हो आराम आराम से। तो आप देख रहे हो, मैं इसलिए भी आपसे एक्सरसाइज शेयर कर रहा हूं कि अगर आप इस तरह से धीरे धीरे एक्सरसाइज के साथ पढ़ाई करते हो, बनाते हो चीजों को, समय लगाते हो उसके ऊपर, खूब सारा प्रैक्टिस करते हो, खूब सारे असाइनमेंट्स बनाते हो, तो बहुत ईजी हो जाता है समझना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चीजें करने से ही होती है। एक बार छलांग मारोगे गिर जाओगे, मुंह नाक फूट जाएगा, मजा नहीं आएगा। तो ये कर लिया अगर आपने बैक एंड में ऑथेंटिकेशन कर लिया, ये यूजर प्रोफाइल बना दी, उसके बाद ऑथ का राउटर बना दिया कि भाई सारा ऑथेंटिकेशन यहां से होगा, ऑथेंटिकेशन का मिडलवेयर बना दिया, तो बहुत सारा पावर बढ़ गया। क्यों? क्योंकि आप ऑथेंटिकेशन कैसे होता है, टोकन कैसे काम करता है, मिडलवेयर कैसे काम करता है, ऑथेंटिकेशन की राउटिंग कैसे होती है, कैसे आगे से पीछे पीछे से आगे भेजा जाता है, सब आपको आ गया। ये मुझे लगता है कि बहुत कम बैक एंड डेवलपर्स को इतने डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग होती है कि इन चीजों को इंप्लीमेंट कैसे करें। एक सेकंड रुको, धोनी मूवी में जब धोनी अच्छा खेलता है, अपने पापा को फोन करता है, तो वो पापा उसके क्या बोलते हैं, अनुपम खेर बड़ा अच्छा लगता है, वो बोलते हैं ना कि सफलता को कपार पे नहीं चढ़ने देना, और कपार पे मत चढ़ने देना ये सब। मुझे भी आपसे यही चाहिए कि अगर आप ये सब चीजें सीख रहे हो, फॉलो कर रहे हो, बना रहे हो, पब्लिश कर रहे हो, तो इसको अपने कपार पे मत चढ़ने दीजिएगा, यानी कि हम्बल रहिएगा। आज कमेंट बस इतना करिए कि भैया हम्बल रहेंगे या भैया कपार पे नहीं चढ़ने देंगे। हम सब क्या करते हैं, बैकएंड में बहुत जल्दी कूद जाते हैं कि बैकएंड ठीक है, थोड़ा API लिख लिया, थोड़ा सा ये कर लिया, और चलो 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 सिस्टम डिजाइन इंटरव्यू की प्रैक्टिस करते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। वो नहीं करना है, क्योंकि उससे फर्स्ट लेवल जॉब्स नहीं लगती, वो सब सेकंड ईयर थर्ड ईयर जब आपके पास थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है API लिखने का, ये सब करने का, उसके बाद ये सब करना होता है। तो जब आप ऑथेंटिकेशन पढ़ लेते हो तो आप यूजर API सारे इंप्लीमेंट कर लो, ये सब जैसे मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, यूजर साइन अप API, लॉगिन API, पासवर्ड कैसे चेंज करना है, फॉरगॉट पासवर्ड कैसे करना है, प्रोफाइल पिक्चर कैसे अपडेट करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स कैसे अपडेट करना है, ये सब कुछ, रेटिंग जो आप रेटिंग और रिव्यू डाल रहे थे जो हम पहले, उसकी API सबको आप यूजर के ऑथेंटिकेशन के साथ ले आओ, तो क्या सुभान अल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया एक API डॉक्यूमेंटेशन आपका आ जाएगा। तो अब आप जाकर वापस अपने डॉक्यूमेंटेशन को भी अपडेट कर दो, उसमें ये सब भी डाल दो, बहुत ही सॉलिड और अच्छा प्रोजेक्ट बन जाएगा आपके लिए। अगर आप इस प्रोजेक्ट को और इसके साथ ऐसे 2-3 प्रोजेक्ट्स और पब्लिश करते हैं जैसे मैंने बच्चों को करवाया, तो आपका चांस एज अ बैक एंड डेवलपर एक एंट्री लेवल जॉब में 3-5 लाख के जॉब में होने का बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि अगर कोई भी हायरिंग मैनेजर स्टार्टअप का कोई बंदा देखता है कि यार इसने इतने बैकएंड्स बनाए हैं, इतने अच्छे से API पब्लिश किया है, इसे मिडलवेयर समझ में आता है, इसका कोड देखो GitHub पे कितना ऑर्गेनाइज्ड है, इसने हमने कोड ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी, इसने बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो किए हैं, वर्जनिंग भी डाला है, क्लीनअप भी डाला है, एरर हैंडलर भी डाला, अगर इतने चेक्स है टक 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 टक, तो कोई भी इंप्रेस हो जाता है। और हम क्या कहते हैं, हमें तो इजी वाली, अच्छी वाली, प्यारी वाली स्टार्टिंग सैलरी चाहिए, हम तो 40 लाख बोलते ही नहीं है, हम तो बोलते भैया 3-5 दे दो, हम शुरू कर लेंगे करियर, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे, हमें तो गूगल जाना नहीं है Day 1, हम तो जब पहुंचना होगा गूगल तब पहुंच जाएंगे, अभी तो हमें करियर शुरू करना है। और करियर शुरू करने के लिए इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स बहुत पावरफुल है। इसके बाद क्या करें, यहां से भी अभी काफी कुछ करना है आपको। आप होस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट के अंदर घुस सकते हैं, इन चीजों को क्लाउड पे, AWS पे, हीरोकू पे कैसे डिप्लॉय करें वो देख सकते हैं। लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग में घुस सकते हैं, मॉर्गन करके एक पैकेज आता है, उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि मॉनिटरिंग कैसे करना है, लॉगिंग कैसे करनी है, अगर एरर आ रहा है तो क्या, अगर सक्सेस आ रहा है तो क्या, इन चीजों को कैसे हैंडल करना है, इसमें घुस सकते हैं। अगर आप इतना कर लेते हो तो आपको बैकएंड अच्छा खासा आ गया है। अब आप थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग, मैं DSA नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर लो, स्ट्रिंग एरे के क्वेश्चंस भी बना लो, ताकि अगर इंटरव्यू में एक ऐसा राउंड आ जाए तो उसको भी आप हैंडल कर पाओ। उसके लिए अगर प्रोजेक्ट से जाओगे, जो मैं बार बार कहता हूं, प्रोजेक्ट के राउट से जाओगे, अगर इंप्लीमेंटेशन के राउट से जाओगे, तो DSA पे लोग कम क्वेश्चन पूछेंगे, सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, हाँ प्रोग्रामिंग आती है ना, क्योंकि देखो प्रोजेक्ट तो बनाए हैं, इसे प्रोजेक्ट बनाना आता है, यानी कि इसे इंप्लीमेंटेशन बहुत स्ट्रांगली आता है। उसके बाद क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि आप फुल स्टैक डेवलपर की तरह सोचो, तो अगर
आप इन बैकएंड एपीआई को अपने किसी फ्रंटएंड प्रोजेक्ट के साथ इंटीग्रेट करते हो या इनके लिए एक सिंपल सा फ्रंटएंड बना देते हो तो वो और भी सोने पे सुहागा हो जाता है। सोने पे सुहागा पता है ना आपको, बढ़िया हो जाता है एकदम। तो वो आप नेक्स्ट स्टेप कर सकते हो। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा ग्राफ क्यूएल देख सकते हो, थोड़ा सर्वरलेस दे सकते हो, बहुत कुछ है। मतलब ये रोड मैप कभी खत्म होने वाला नहीं है। और इन चीजों को समझने लगो कि कैसे काम करती है, तब जाकर आपको सिस्टम डिजाइन और सिस्टम डिजाइन इंटरव्यूज इन चीजों को देखना चाहिए। एज अ फ्रेशर 3-5 लाख के जॉब में अगर आपके पास प्रोजेक्ट है और आप बेसिक PSDS स्किल्स यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग डेटा स्ट्रक्चर स्किल्स है आपके पास, तो आपको आराम से इन चीजों से जॉब लग जानी चाहिए। तो आपको क्या करना है, रोड मैप बड़ा सिंपल है, रोड मैप बस पहली जॉब तक ले जाए, उसके बाद आप सीखते रहो, सीखने का तो कोई अंत नहीं। उसके बाद एडवांस DSA भी करो, बाकी चीजें भी करो, फैंग के लिए भी ट्राई करो, सब करो, कोई दिक्कत नहीं। मैं नहीं बोल रहा कि मत करो, बड़े सपने मत देखो, ऐसा मैं नहीं कह रहा, बस ये कह रहा हूं कि पहले घर में रोटी लाओ, पहले पहली जॉब लो, ठीक है। वो पहली जॉब लेने के बाद पढ़ाई करते रहो, रोड मैप आगे बढ़ता रहेगा। पर इतना जब हो जाए, प्रोजेक्ट जैसे ही पब्लिश हो जाए, PSDS के स्किल्स थोड़े से पॉलिश हो जाए, तो तुरंत अप्लाई करना शुरू करो और तुम देखोगे कि क्या मस्त जॉब लग रही है। इसके बाद आप थोड़े टेस्टिंग में भी घुस सकते हो। बैकएंड की टेस्टिंग रिलेटिवली काफी इजी होती है फ्रंटएंड की टेस्टिंग से, और आजकल जब REST API टेस्ट कर रहे हैं तब तो और भी आसान है बैकएंड की टेस्टिंग। तो बैकएंड की टेस्टिंग में घुस सकते हो। इसमें कब घुसे, जॉब में अप्लाई करने के पहले घुसने की जरूरत नहीं है। ये ऐसी चीज नहीं है जिसके कारण आपको कोई लेगा या नहीं लेगा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, बट जब अप्लाई कर ही रहे हो तो साथ साथ सीखते भी रहना है, क्योंकि अप्लाई करने में दिन का 1-2 घंटा लगेगा, कुछ इंटरव्यू फेस करने में दिन के 1-2 घंटे लगेंगे, तो बाकी टाइम क्या करोगे, बाकी टाइम भी कुछ सीखते रहो पैरेलल ट्रैक में। तो टेस्टिंग सीख सकते हो, टेस्टिंग में जेस्ट या मोका चाय बहुत कुछ है, जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे कोई भी एक उठा लो। अगेन यहां फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आप कौन सी लाइब्रेरी यूज कर रहे हो। आप टेस्टिंग एज अ कॉन्सेप्ट समझते हो, आप टेस्टिंग में मॉकिंग क्या होता है वो समझते हो, आप टेस्टिंग कैसे करते हैं ये समझते हो, तो कोई भी फ्रेमवर्क आप उठा सकते हो। मैंने कितने तीनों फ्रेमवर्क पे काम किया है अलग अलग टीम से माइक्रोसॉफ्ट में, बड़े ही सिंपल और सिमिलर फ्रेमवर्क्स हैं सारे के सारे टेस्टिंग वाले, पर वो आ जाना अगेन एक और पावर अनलॉक कर देता है। वीडियो गेम खेलते हो ना आप लोग, तो ये सब वो क्वाइंस हैं जिससे आपको नई नई लाइफ मिलती जाती है, जिससे आपका पावर बढ़ता जाता है, आप नए बॉस को हरा सकते हो, मतलब अपने कंपनी जॉब वाले बॉस को नहीं, मतलब वो गेम वाले बॉस को हरा सकते हो, और आपका खुद का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है ना कि यार अब तो ये भी आ गया। मैं फिर से एक बार कहूंगा कि कॉन्फिडेंस बढ़ने का ये कतई मतलब नहीं है कि आप बोलो भैया आप कह रहे थे इतने पे 3-5 की लग जाती है, अब 15 चाहिए आपको, अब तो बहुत आ गया। नहीं भाई, ये गलती नहीं करना, ये मैंने बहुत देखा है बच्चों को, थोड़ा सा पढ़ते नहीं है, उछलने लगते हैं उबलते अंडों की तरह, ये मत करना। पढ़ो लिखो सीखो समझो सब करो, पर एंट्री लेवल जॉब में घुस जाओ पहले। ये 15 लाख की जॉब, ये 40 लाख की जॉब, ये गूगल की जॉब के लिए जो आप लोग परेशान हैं, ये करोगे तो फंस जाओगे। फिर करियर की शुरुआत कैसे करें, कोडिंग कैसे समझे, प्रोग्रामिंग कैसे समझे, गलतियां जो आम तौर पे हर कोई कर रहे हैं उससे कैसे बचे, अगर यह सब सीखना समझना आपको अच्छा लग रहा है इस वीडियो को देख के, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हम्बल रहेंगे वाला कमेंट जरूर से करके जाइएगा।